आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स चैप्टर का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.5 को। इससे पहले आपने अगर एग्जाम्पल 10.1 से 10.4 तक अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप वहाँ पर 12th की न्यूमेरिकल में सेक्शन में जाकर के आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, अदर चैप्टर्स के भी आपको वहाँ पर अवेलेबल न्यूमेरिकल सब है, आप वहाँ से आराम से सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल कहता है 10.5 का कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN, हेलो एल्केन्स पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करके अल्काइल साइनाइड बनाता है मेन प्रोडक्ट के रूप में, व्हाइल AgCN के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वहां पर आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है चीफ प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट के रूप में। एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों होता है, KCN क्यों यहाँ पर साइनाइड बना देता है, AgCN हेलो एल्केन के साथ में क्यों आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक इसमें लगता है, थोड़ा सा बस यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा रूल काम करेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो आराम से आप कवर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ए और बी के बीच में कोई आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये ना ही 100% कोवेलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक होता है। आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पोटेशियम साइनाइड के बीच में आयनिक बॉन्ड है, AgCN के बीच में भी आयनिक है, बट ये आयनिक प्योर नहीं है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए यहां पर, अगर कैटायन हमारे छोटे साइज के हों और एनायन बड़े साइज के हों तो एनायन जितना बड़ा होगा और कैटायन जितना छोटा साइज का होगा उतना ये जो बॉन्ड होगा हमारा कोवेलेंट नेचर का होगा। उसके विपरीत अगर एनायन कैटायन हमारा बड़ा रहे और एनायन भी थोड़ा सा छोटा रहे तो इस केस में अगर एनायन के साइज को घटा दिया जाए कैटायन के साइज को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पोटेशियम और एजी सिल्वर की हम बात करें तो पोटेशियम पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट मोस्ट साइड में बैठा हुआ है और वही सिल्वर जो है पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में बैठा हुआ है। तो होता क्या है, डी ब्लॉक में इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण से यहाँ पर इनका साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से इनका सिल्वर का साइज जो है बहुत छोटा जाता है, पोटेशियम का साइज क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है ना, पोटेशियम का साइज बहुत बड़ा होता है, सिल्वर साइज उससे बहुत छोटा होता है। तो केटायन अगर छोटा रहेगा तो यहाँ पर कैरेक्टर आ जाएगा बॉन्ड का कोवेलेंट का। अब सिंपल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड में डिकम्पोजिशन जो होती है ना वो धीरे धीरे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड जो डिस्प्लेस करता है उसका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करता है, लेकिन वही आयनिक बॉन्ड अपने एक्वस सॉल्यूशन में बहुत जल्दी तेजी से टूट जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जब हेलो एल्केन का रिएक्शन सिंपल सी बात है पोटेशियम साइनाइड के साथ में होगा तो चूंकि ये बॉन्ड हमारा आयनिक है, बढ़िया आयनिक बॉन्ड है, ये तुरंत डिस्प्लेस हो जाएगा Cl- आयनिक में, ये आयंस बन जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कारण से ये वाला बॉन्ड भी जो है Cl- बनेगा और यहाँ पर R+ बन जाएगा। और सिंपल सी बात है यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है साइनाइड के वो मिल जाएंगे यहाँ पर R को और पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा किसको, पोटेशियम को, हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर अल्काइल साइनाइड और बाई प्रोडक्ट यहाँ निकलेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो सिंस यहाँ पर क्या है हमारे पास KCN ये वाला जो बॉन्ड है इज एन आयनिक कंपाउंड, अब इसमें क्या होता है एक चीज और, ये आयनिक कंपाउंड होता है इसलिए डिकम्पोज कर गया। दूसरी बात कि यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता तो ये कम स्टेबल होता। नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड जो है CN बॉन्ड यहां नहीं बना, CC बॉन्ड बना, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हुआ है, क्यों हुआ है, तो CN बॉन्ड इज लेस स्टेबल देन CC बॉन्ड। यहां दूसरा कारण ये बना, पहला कारण यहां पर ये बना कि पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक कंपाउंड है तो आयंस में डिसोसिएट कर गया, इस कारण से यहां पर अल्काइल साइनाइड बना है। और दूसरी बात यहां पर ये CN बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल होता है कौन, CC बॉन्ड, इसलिए यहां पर CC बॉन्ड बनना ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर मिला, CC बॉन्ड बना तो साइनाइड प्रोडक्ट हमारा मिल गया। ये इंस्टेंटली आयंस टूटते हैं तो इंस्टेंटली बॉन्ड बनता है और इंस्टेंट में जो CC बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल था इसलिए यहां पर अल्काइल साइनाइड हमारा मेन प्रोडक्ट में बनता है। जबकि
अगर सिल्वर साइनाइड यहां पर लेते हैं, सिल्वर साइनाइड की बात करें, एजीसीएन की बात करें, तो यहां पर ये जो बॉन्ड है वो मोर कोवैलेंट बॉन्ड है ना, हैज कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। अब आप कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर देखिए इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, ये अल्काइल क्लोराइड मान लीजिए, एक अल्काइल हैलाइड ले लिए, इसका रिएक्शन AgCN से करवाया जा रहा है, ये बॉन्ड तो कोवैलेंट है, और कोवैलेंट बॉन्ड में यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो होगा क्या, जो जो यहां इंडक्टिव इफेक्ट कारण से ये बॉन्ड क्लोरीन तरफ चलते जाएगा और यहां पर प्लस चार्ज डेवलप होते जाएगा, तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा, इस आर को, ये लोन पेयर को डोनेट कर देगा, किसको, इस रेडिकल को डोनेट कर देगा, जिससे क्या होगा, यहां पर नाइट्रोजन और रेडिकल के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पर यहां पर तो धीरे धीरे प्लस चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो प्लस चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ये आर जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक है, और यहां पर ये उस समय ही जब यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस ये करेगा, तो उसी समय ये सिल्वर भी धीरे धीरे बॉन्ड जो है डिस्प्लेस कर देगा, किसकी तरफ, कार्बन की तरफ, ये अपना पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर देगा, और इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर देखिए कार्बन पर आ गया एक लॉन पेयर यहां पर, ये बॉन्ड के कारण से, बीच में यहां पर डुअल बॉन्ड है, ठीक है ना, बीच में यहां पर, सॉरी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और यहां नाइट्रोजन से यहां पर जुड़ गया करके ये रेडिकल हमारा आर जुड़ गया करके, ये नाइट्रोजन, ये आर जो है नाइट्रोजन से जाकर जुड़ गया, बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस कारण से नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इस पर जो चार्ज फील होगा पॉजिटिव, और कार्बन पर चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन आया है, तो चार्ज क्या यहां पर फील होगा, नेगेटिव। एन पर प्लस और सी पर माइनस, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये आइसोसाइनाइड का जो है फंक्शनल ग्रुप होता है, तो यहां पर अल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया। इसका मेन कारण यही था बस यहां पर कि ये हमारा जो सिल्वर साइनाइड है, वो सिल्वर साइनाइड हमारा एक कोवैलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड है, इसीलिए यहां पर ये बॉन्ड धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रहा था। तब तक क्या किया, यहां पर ये बॉन्ड जो टूटने लगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, यहां पर रेडिकल को, जैसे डोनेट किया, रेडिकल जुड़ के नाइट्रोजन से जुड़ गया, और इस तरह से नाइट्रोजन चार्ज आ गया पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहां पर सिल्वर क्या किया, अपन तब तक इलेक्ट्रॉन कार्बन दे दिया, कार्बन में चार्ज आ गया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का पेयर कार्बन पर चढ़ गया, और यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहां से एजी प्लस निकलेगा, यहां सीएल माइनस, यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में AgCl यहां से निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहां पर ये कारण था, तीन कारण यहां पर देखिए हमने, KCN एक आयनिक कंपाउंड है इसलिए आयनाइज हो गया, और ये यहां पर साइनाइड बॉन्ड फॉर्म किया है, साइनाइड फॉर्म किया है, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है मोर स्टेबल है कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड क्रिएट हुआ है, कारण क्या था, कारण बस एक ही था, AgCN हैज कोवैलेंट कैरेक्टर, यहां पर कैरेक्टर कोवैलेंट था, इसी कारण से यहां पर नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर जो है डोनेट कर दिया रेडिकल को, और आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नॉमेनक्लेचर के वीडियोस भी आ गए हैं, अब आप उस चैनल पर जाकर के नॉमेनक्लेचर के सेक्शन में जाकर के आप वहां पर वीडियोस चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।